हाँ जी सचिदानंद, कल हमने प्रेयर की बात की थी, डेली प्रेयर, कौन सा प्रेयर? और हाँ डेली इडली प्रेयर। ओके प्रेयर, और ओके, उसमें सिंसियरिटी क्या के बारे में भी होमवर्क बात की। हाँ इसमें ये होमवर्क था कि हम आज हमें हेल्थ में क्या कॉम्प्रोमाइज किया था, और स्टडीज में हम सिंसियर रहे कि नहीं। था? ओके आप रिपोर्ट दो। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैं स्टडीज में सिंसियर नहीं रही थी, और हेल्थ में आज मैंने कॉम्प्रोमाइज किया था। मैंने आज सूर्य नमस्कार नहीं किया, बाकी मैंने सारी एक्सरसाइज और टेस्ट भी ऑब्जर्व। तो ये तो क्या करेगा? ये प्रार्थना का क्या फायदा नहीं है कुछ? करिश्मा, हाँ जी सच्चिदानंद, आज मैं स्टडीज में सिंसियर रही थी, और हेल्थ में मैंने आज कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। किया था कॉम्प्रोमाइज? नहीं किया, नहीं किया था यानी कंप्लीट हो गया था सब? सूर्य हाँ नमस्कार। ओ क्या बात है, वेरी गुड। और पढ़ाई में? पढ़ाई आज मैंने नहीं की। तो सिंसियर बोलता है कि इनसिंसियर बोलते हैं? इनसिंसियर क्यों, क्या क्या हो गया था? क्यों नहीं किया? टाइम नहीं था कि नहीं करने का था? नहीं ओके दक्ष, वो किधर गए बीच वाले? था, वो अनुज को लेकर चले गए। कोई नहीं है घर में दूसरा अनुज के लिए आधे घंटा के लिए? मम्मी है बट ओके दक्ष, कहती थी जय सच्चिदानंद, आज मैं सच्चादन में सिंसियर रहा था, और मैंने आज एक्सरसाइज सच को। साधन की बात नहीं होता है, हेल्थ और स्टडी की। ये देखो 1 और 2 की बात है। ओके हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने हेल्थ, हाँ आज मैंने हेल्थ में 17 out of 15 कर दिए थे, क्योंकि मैंने 2 बार सूर्य नमस्कार नहीं करे थे। 17 out of 15। ओके वो कौन सा रिपोर्ट है? 15 out of 17। वो क्या नहीं किया था? मैंने आज 2 बार सूर्य नमस्कार नहीं करे थे। वो क्यों? दादा, एक बार मैंने एक्सरसाइज झटका लग गया था, तो उससे मेरी पीठ और जोर से दुख रही थी। आज ओके पढ़ाई में सिंसियर? मैं पढ़ाई में सिंसियर नहीं रहता। ओके वो सिंसियरिटी के डेफिनेशन कल बताया था बिहार दादा ने, क्या बोला था मोनिका? हाँ पढ़ाई क्या में था? हाँ बिहारी दादा ने क्या बोला था? सिंसियरिटी कब बोल हाँ सकते हैं? हाँ सब कुछ जो हम हर रोज पढ़ाई करते हैं, और साथ ही घर आकर जो स्कूल में पढ़ाया है उसे नोट्स लेते हैं और उसे रिवीजन करते हैं। ओके जो है आपको कुछ बोलने का है? आप कल तो नहीं थे भाई, उसमें कुछ बोल रिपोर्ट दे सकते हैं? हाँ बोलो। जय सच्चिदानंद, आज मैं स्टडीज में सिंसियर रही थी, और हेल्थ में मैंने कॉम्प्रोमाइज किया था, क्योंकि मैंने सब टेस्ट ऑब्जर्व नहीं किए थे, और मैंने सूर्य नमस्कार नहीं किया। क्यों नहीं किया था? सूर्य नमस्कार में आलस आ गई, और मैं जब खाना खा रही थी तब मैं बातें कर रही थी। कितना टाइम लगता है सूर्य नमस्कार करने के लिए? 10 मिनट कितना करते हैं आप? सिर्फ 2 to 5 rounds करती हूँ, कितना? 2 to 5 rounds। तो उसमें 10 मिनट थोड़ी लगती? ओके नहीं करने का था। ओके दर्शन, ओके कल सच्चिदानंद, कल किधर कल तक कल तक किधर कब तक कल किधर था आप? कल मैं ओके ये मालूम है क्या होमवर्क था? सुना गया था। हाँ सुना, हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज कुछ किया था?
कि कंप्लीट किया था? नहीं, आज कॉम्प्रोमाइज किया था। आज मुझे 3 बार सूर्य नमस्कार करने होते हैं, मैंने 2 बार ही किए थे। क्यों? हाँ, फिर मुझे थक गया था। तो क्या किया? थक गया था? क्यों थक गया था? मैं सुपर ब्रेन योगा भी किया था और सूर्य नमस्कार 2 बार किया, तो कंटिन्यूअसली। वो जब थकते हैं ना तो वो इनवेरिएबली करना, तो एनर्जी आ जाता है। ओके ओके बिहारी दादा, आप कुछ बोलो, इसने किया नहीं किया, बाद में नंबर 3 की चर्चा करेंगे हम। आप नंबर 1 और 2 का थोड़ा बोलिए, बाद में नंबर 3 करेंगे हम। ओके, हेल्थ के प्रति कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, यानी आपकी हेल्थ बनी रहे मेंटली और शारीरिक, दोनों हेल्थ बनी रहे। मेंटली हेल्थ के लिए सत्साधन है और दादा भगवान का असीम जय जयकार हूं, और शारीरिक हेल्थ के लिए आपको सूर्य नमस्कार करना है, थोड़ा थोड़ा करना है तो भी आप नहीं कर सकते हैं, तो वो तो हेल्थ कैसे कवर होगी। लेकिन आप नहीं कर सकते हो फिर भी निखालस होके बोलते हो कि आज मैंने नहीं किया है, आज मैंने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, 3 करने के बजाय 2 किया है, तो आप जो निखालस पूर्वक आप अपनी गलती स्वीकार करते हो, ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। तीसरा, मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। तो ये काल में तो बुरी सोबत ना मिले, कुसंग आपको ना मिले, ये बहुत ही बड़ा पुण्य है। बहुत पुण्यशाली होते हैं तभी उसको कुसंग नहीं मिलते हैं और बुरी सोबत भी नहीं मिलती है। लेकिन आपका जो दृढ़ निश्चय है ना भीतर से, क्योंकि आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, ट्यूशन में जाना पड़ेगा, सोसाइटी के बच्चों के साथ खेलना पड़ेगा, इकट्ठे रहना पड़ेगा, तो ये सभी के बीच में आपका जो ये जो निश्चय है कि मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, तो ये निश्चय आपका बहुत ही बड़ा है। क्योंकि मिलना जुलना तो होगा सभी जगह पर, स्कूल में जाएंगे, क्लासेस में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे तो लोगों को, फ्रेंड्स को मिलना जुलने का तो रहेगा ही, लेकिन भीतर से आपका ये जो दृढ़ निश्चय है वो निश्चय आपका पक्का रहना चाहिए, और वो निश्चय को आपको सिंसर रहना है। और तीसरी बात जो है, तो कि मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। तो के हमारा सत्संग ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन भी होता है, लेकिन जो लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं, उनके लिए ये गुजरात में जो सत्संग का माहौल है तो वो बहुत ही सराहनीय है, और सभी को, आप सभी के लिए अभी ऑनलाइन सत्संग
ऑनलाइन सत्संग कभी भी न छूटे, मन बताएगा कि जाके क्या करने का है, क्या करेंगे, लेकिन मन की सुनने की नहीं। हमारा निश्चय क्या है? क्योंकि हमारा निश्चय है, हमारा ध्येय है कि हमें सत्संग में रहना है और हमारा सत्संग कभी भी न छूटे, वो हमारा दृढ़ निश्चय है। तो वो निश्चय को हमें सिंसर रहना है। बराबर बराबर। अभी देखेंगे कि बुरी सोबत को किसको बोलता है, किसको, कौन जवाब देगा? दक्ष, बुरी सोबत किसको बोलता है? हाँ, दादू जैसे झूठ 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 बोलना, हाँ झूठ बोलना। ओके, वेरी गुड। श्रेया, सभी कलम को ब्रेक करना और अहम दुबाना। अहम दुबाने का। चिनाय, खुशी, किसी का कहना ना करना, मम्मी पापा का कहना। दीदी या फिर मम्मी और पापा जो भी के उसको बैक आंसर नहीं करने का। सोनिका, हाँ, बुरी गलतियों से दूर रहने का। दर्शन, दरअसल ओके, आज दरअसल क्या करता है मारा? ओके, बिहारी दादा, बुरी सोबत किसको बोलता है? सोबत यानी हमारा जो फ्रेंड है, हमारी सहेली है, उसकी आदत बुरी है, उसका बिहेवियर गलत है, तो उसके साथ हमारी जो सोबत होती है, उसके साथ बैठना उठना होता है, तो हमको भी वो आदत लग सकती है और उसके साथ साथ हम भी नेगेटिव रूप से प्रसिद्ध हो जाते हैं। बुरी सोबत तो फ्रेंड सर्कल के साथ बैठना उठना, और उसमें जो गलत है, जो पीरियड बंक मारता है, झूठ बोलता है, पैसा चोरी करके लाता है, ऐसा जो विद्यार्थी है जिसकी गलत आदतें हैं, ऐसा अगर कोई है उसके साथ बैठना उठना, वो बुरी सोबत बोली जाती है। मालूम पड़ा? तो कल जरा देखना आपके कोई फ्रेंड्स की बुरी सोबत है के नहीं। ओके, और कुसंग क्या होता है? कुसंग बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स। खुशी, बैड हैबिट्स झगड़ा करना। क्या करना? झगड़ा करना किसी से और बैक आंसर देना। ओके, छोटी, कुसंग क्या होता है? कुसंग में मन की बात नहीं सुनने की। मोनिका, हाँ, जो हमारी गलतियां के नहीं सुनने के। दक्ष, हाँ, जैसे अपन को किसी को भी चिल्ला के फिफ्थ कलम किसी के साथ, और जैसे किसी को बैक फिफ्थ कलम किसी के साथ भी तोड़ना नहीं चाहिए। दरअसल सुन क्या होता है? बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स। ओके, बिहारी दादा,
क्या होता है कुसंग? कुसंग भी बुरी सोबत जैसा ही है, किसी गलत व्यक्ति के साथ आप फ्रेंडशिप रखते हैं, जिसका ध्येय सत्संग नहीं है लेकिन संसार में मौज उठाना है, मस्ती करनी है, तो उस व्यक्ति के साथ आप बैठते हैं, घूमते हैं, तो उसको कुसंग बोलते हैं। गलत पुस्तकें पढ़नी, मोबाइल में गलत देखना, वो भी कुसंग है। और हमारे ध्येय के हिसाब नहीं चलना, वो सबसे बड़ा कुसंग है। समझे आप लोग? ओके, तो कल के लिए ये तीनों का होमवर्क है। ओके, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज किया, स्टडी में सुनते रहिए, आपकी कुछ बुरी सोबत है कि कुसंग है। दीपिका जी, यू वांट टू से समथिंग? दीपिका जी, दीपिका जी, जय सच्चिदानंद। You want to say something about? You want to say something about? Yes. मैं अपना एक short उदाहरण देता हूँ कि मैं जिन लोगों के साथ मैंने जो जिन लोगों के साथ friendship की थी कॉलेज में, उन्होंने मुझे cheat किया था और बताया नहीं था कि कैसे पढ़ाई। वो लोग मिलकर हम लोग साथ में करते थे, तो वो लोग ने अपनी तरह से अच्छे से पढ़ाई की और उसके कारण मुझे समझ में नहीं आया, मैं पीछे रह गया। और जब बताया तो बोले ऐसा ही करना होता है, तब मुझे पता चल गया कि अभी हमें ऐसे फ्रेंड, ऐसे संग करना अच्छा नहीं है। और उसके परिणाम से मैंने उनकी संगत छोड़ दी, और वो संगत छोड़ देने से फिर मैं खुद पढ़ाई करने लगा और फिर मार्क्स अच्छे आए, इंजीनियरिंग अच्छे से पूरी हो गई। ये बुरी सोबत से तो बहुत ही दूर रहना है। जैसे वो एक टोकरी में बिगड़ी हुई बिगड़ा हुआ आम है और दूसरा 25 आम है, तो वो एक बिगड़ी हुई बिगड़ा हुआ आम वो सभी को बिगाड़ देगी कि नहीं? इसीलिए इंग्लिश में एक कहावत है, यू आर आइडेंटिफाइड बाय द फ्रेंड्स यू कीप। क्या बताया? आपके फ्रेंड सर्कल क्या है उससे आपकी पहचान होती है। और दूसरी बात जो ये तीसरे इसमें बताया है, ये सत्संग में आने का हमारा पक्का निश्चय रखना है और हमारा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी प्रार्थना करनी है। तो आपको सत्संग आपको मिल ही जाएगा, कभी आप चूकेंगे नहीं सत्संग को। समझ में आया? मैं मेरा एक एग्जांपल देता हूँ। ये कोरोना टाइम ऑलमोस्ट 3 इयर्स चला, और 3 इयर्स में मॉर्निंग 6:30 टू नाइट 11:30 में सत्संग में बिजी था। तो वो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? हेलो, अच्छा हुआ। क्योंकि मैंने ये जो बताया है ना कि मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना, तो उसके परिणाम से मैं सभी सत्संग में अटेंड हो सका। मैं बीमार भी था 3-4 दिन, तो तभी भी
मैं सत्संग छूटा नहीं, मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, लेकिन मैं पीछे से वो सारा सत्संग मैंने सुना था तभी ही ऑनलाइन, बाद में नहीं। तो ये दोनों पार्ट जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छी सोबत, अच्छी बुरी सोबत से हमें छूटना है तो कुछ भी बहाना निकाल के झूठ बोल के भी निकल जाऊं वहां से, ये समझ में आता है? हाँ अगर वो सामने वाले फ्रेंड को बुरा लगे तो वो बुरा लगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। हम उसकी फ्रेंडशिप नहीं रखते तो उसे उसे हमारी सेफ्टी हो जाती है, सुरक्षा हो जाती है। इसीलिए फ्रेंड्स तो बहुत सोच समझ के ही करना चाहिए, बनाने चाहिए। जय सच्चिदानंद। ओके हाँ ओके दादा हाँ बोलो। हाँ दादा, मेरे एक दोस्त था, हम एक बार मैं उसके साथ गार्डन में खेलने गया था, तो एक बार उसने मेरी गार्डन में नेकर खींच दी थी, तो मम्मी वहीं से निकली थी, तो मम्मी ने उसको चिल्लाया था, और उसके बाद मैंने उससे बात भी नहीं करी। ओके वेरी गुड, नहीं किया तो बहुत अच्छा किया। ओके चलो जय सच्चिदानंद। तो कल का होमवर्क पड़ गया, उसी कल का होमवर्क का क्या है नहीं मालूम आपको? नहीं थी आप? ओके मोनिका। जय सच्चिदानंद, कल का होमवर्क ये है कि स्टडीज में हम सिंसियर रहे कि नहीं रहे, और साथ ही हेल्थ में क्या कॉम्प्रोमाइज किया था, और सोबत और कुसंग कहां पर हुआ था। वेरी गुड। ओके जय सच्चिदानंद। जय